हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक अच्छी सी अच्छी कहानी लेके आया हूँ, जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो को बिना पूरा देखने आप प्लीज़ मत जाना, क्योंकि आप सबको मैं एक ऐसा कहानी सुनाऊंगा जिससे आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे गाँव में एक अंकल रहते थे जो गुब्बारे बेचा करते थे। गुब्बारे बेच के वो अपने गुजर बसर करते थे, उनकी फैमिली चलाते थे, अच्छे से उन सबका ख्याल रखते थे, और अच्छे से वो अपना बिजनेस करते थे। एक तरह से गुब्बारा बेच के वो अपना बिजनेस करते थे और वो पूरी तरह से अपनी फैमिली चलाते थे। बहुत ही खुश थे वो लोग, बहुत ही खुशी थी उनके फैमिली में, बहुत ही अच्छे थे वो लोग। तो एक दिन उनको क्या हुआ, जब वो गुब्बारे बेच रहे थे तो उनकी बिक्री कम हो जाती। कभी कभी ऐसे होता है, जब हम बिजनेस कोई करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस कम हो जाता है, हमारे पास लोग नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, इसके वजह से हमारी बिक्री कम हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक नया तरकीब सोची उन्होंने कि अगर हमारी बिक्री कम हो जाती तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में आया कि एल्युमिनियम की गैस लिए, और उन्होंने जब भी उनकी बिक्री कम होती तो मेले में क्या करते, वो किसी कलर का, अच्छे उनके पास बहुत सारे कलर थे, लाल पीले हरे ब्लैक और बहुत सारे कलर थे। तभी उन्होंने क्या करते हो, उस एल्युमिनियम की गैस भरते गुब्बारे में गैस भरने के बाद और उन्होंने आसमान में उड़ा देते। जब आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे को बच्चे देखते हैं तो अपने पैरों से वैसे ही गुब्बारे पाने की कोशिश करते, बोलते हैं अपने पैरों से वैसे ही गुब्बारे पाने की जीत करते। तो उनके पेरेंट्स गुब्बारे वाले को ढूंढते हुए और गुब्बारे वाले के पास जाते हैं। गुब्बारे वाले के पास जब भी जाते हैं तो उन्हें वैसे ही गुब्बारा मिलता जैसा आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है। तभी वैसे ही गुब्बारा पा के बच्चा बहुत खुश होता है और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता और आगे बढ़ते होता है। और इस गुब्बारे वाले का वही प्रक्रिया जारी रहती, वही प्रक्रिया वो जारी रखता, क्योंकि उसके पास जब भी कस्टमर होते कम होते तो वो गुब्बारा पाते कलर का हर एक कलर का गुब्बारा छोड़ देता आसमान में। और जब भी आसमान में गुब्बारे उड़ते हुए देखते तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं और उसका बिक्री इसी तरह से चल रही है। एक दिन अचानक से उसे लगा कि उसका शर्ट कोई पीछे से खींच रहा, उसका जैकेट कोई पीछे से गुब्बारे वाला का खींच रहा। जब पीछे मुड़ के देखा तो ये आसमान सा बच्चा, छोटा सा बच्चा जो मतलब कुछ जानता नहीं, ज़्यादा बोल नहीं सकता और आगे बोलता है क्या कोई भी कलर का गुब्बारा हो सकता है। अब उन्होंने यार इतना मासूम था ना उस बच्चे को, उस बच्चे की मतलब आवाज़ को छू लिया, उसके मन को छू लिया। जब उसके मन को छू लिया तो बोला बेटा गुब्बारा अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता, वो इसके वजह से उड़ता कि उसके अंदर भरा क्या है। जब भी उसने बोला ऐसा तो शायद वो बच्चा नहीं समझ सकता था कि ये अंकल बोल क्या रहे। तो उसको बैठाया आराम से और उसने बताया, बेटा हम इंसान के अंदर ना, हम इसकी वजह से कामयाब नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी वजह से कामयाब होते कि हम कैसे सोचते हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारे थिंकिंग में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, हम इसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। बच्चा बेटा कोई अपने कलर की वजह से आगे नहीं बढ़ता, ऐसा बोला। और जब ही ऐसा बोला तो बच्चे को समझ में आ गया कि मैं अगर कामयाब होना चाहता हूँ तो मैं अपने कलर की वजह से और अपने ऐसे सोच की वजह से नहीं बढ़ सकता जो मुझे पीछे ढकेल रही है। हमें ऐसे सोच लाना पड़ेगा उस एल्युमिनियम के गैस की तरह जो हमें आसमान में उड़ा दे, और डेफिनेटली आसमान में उड़ सकते हैं हम, कर सकते हैं, हमें करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हम नहीं करते, क्यों लगता कि नहीं करते हम भी यार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा ना, हमें कुछ करने के लिए कुछ समय देना पड़ता, कुछ काम करना पड़ता, और बिना कुछ समय बिना कुछ काम के हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, अच्छे वीडियोस देखना होंगे, अच्छे काम करने होंगे। किसी भी काम को अपने मन से करो, अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना चाहिए, कभी अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए।
दोस्तों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपने कलर की वजह से नहीं, हमारे अंदर थिंकिंग में क्या है, क्या हम सोचते हैं, क्या ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें इसके लिए अपने सोच को देखने और पहचानने की आवश्यकता है। और मैं आप सबके लिए ऐसा ही वीडियो लेके आता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखना और लाइक भी करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर ही करना, क्योंकि आप लाइक करते तो मुझे भी एक बहुत अच्छा फीलिंग होती, बहुत अच्छा लगता। प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।